हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया गया है। इसी के तहत सीनियर सिविल जज व जिला विधिक सेवा सचिव ने पालमपुर नगर निगम के कूड़ा संयंत्र आईमा का दौरा किया और संयंत्र में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त डॉ आशीष शर्मा ने कहा कि पालमपुर शहर में कूड़े की समस्या है और इसके किस तरह से निपटा जाए इस पर कार्य किया जा रहा है। आयुक्त ने कहा कि लोगों से कूड़ा बाहर न फेंकने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए जुर्माना और कोर्ट केस भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा कूड़ा फेंकने की नियमित निगरानी के लिए सोलर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे जिनका ट्रायल किया जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पे सीनियर सिविल जज मैम का दौरा है, वो है हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को देखने के लिए और साथ में जो पालमपुर शहर में रादर पूरे कांगड़ा में ही जो लिटरिंग की प्रॉब्लम है, लोग कूड़ा बाहर फेंकते हैं, उसको किस तरह से उससे निपटा जाए। अभी तो फिलहाल हम 2 हफ्तों के लिए एक ड्राइव चला रहे हैं जहां हम जो भी लिटरिंग हॉटस्पॉट्स हैं वहां की सफाई कर रहे हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे और रेगुलर तरीके से उन स्पॉट्स की मॉनिटरिंग भी करेंगे सीसीटीवी कैमरा लगा के कि जो भी लोग कूड़ा फेंक रहे हैं वो वहाँ कूड़ा ना फेंकें, बाहर कूड़ा ना फेंकें। और किसी को ये शिकायत है कि वहाँ हमारी गाड़ी कलेक्शन के लिए नहीं आ रही है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने पार्षद से संपर्क कर सकते हैं, पर उसके बावजूद भी जो लोग खुले में मिक्स कूड़ा फेंक रहे हैं तो उनके अगेंस्ट हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट है तो उसमें 25,000 तक का फाइन का प्रावधान है। सीनियर सिविल जज व जिला विधिक सेवा सचिव शिखा ने बताया कि प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है जिसके तहत लोगों को खुले में कूड़ा न फेंकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मिस्टर जस्टिस त्रिलोक चौहान जी हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। उन्होंने एक ड्राइव चलाई है, अवेयरनेस कम सेंसिटाइजेशन ड्राइव, जिसके तहत पूरे हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को अवेयर करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे कि वो पब्लिक लिटरिंग ना करें। हमने अक्सर देखा है कि कई ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर पब्लिक लिटरिंग की जाती है, उन स्पॉट्स को हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ और एन जी ओज के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग वो गार्बेज रिमूवल करा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों का ये मकसद है कि आगे भी इस लिटरिंग को रिमूव करने के बाद भी वो जो प्लेस है वो प्रॉपरली मेंटेन हो। और ये ड्राइव हमारी लगभग 2 हफ्ते तक चलेगी।